मैदान के गुलदान में खुशबुओं के पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग दुआ करें परवरदिगार आलम इन तमाम तर सनातनों के जिक्र से हमारी समातों को लज्जत बख्शे और नाथ कहने वाले कबीले से हमें जोड़े रखे। ये बहुत वाकिदा कारे मोहब्बत है जिनको ये शोरा अदब अपने अपने शहरों को खुदा हाफिज कहने के बाद एक बात दी गई आपके समातों से वाबस्ता हो रहे हैं। मेरे नूर पर वो तमाम तर कीमती आवाजें हमारी आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। दुआ करें परवरदिगार आलम इन तमाम तर शोरा अहले सुन्नत के सदके में हमारे सोए हुए अदबी मजहबी जरासीम को बेदार करने में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी अता फरमाए। एक शेर समाज कर ले पूरा मनवा जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह और तड़प करके बोले या रसूल अल्लाह। अगर शेर अच्छा लगे तो मोहब्बत से नवाजिएगा वरना ऐसे ही बैठे रहिए ताकि मुझे एहसास हो जाए कि उस्तादी शोरा जनाबे काली लिफाका साहब किला ने यहाँ पर सामईन की जगह कुछ मुजस्मों का भी इंतजाम किया है। अरे जरा पूरा मजमा यहाँ पर बैठे हुए हैं जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार आलम जो अपने दोनों हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उन्हें कुव्वते अब्बास का सदका अता फरमाए। एक शेर सुने मैं इन तमाम तर शोरा अहले सुन्नत की खास तवज्जो का तलबगार और मेरा यकीन है कि ये तमाम तर शोरा मुझे दुआओं से नवाजेंगे। अगर ये दुआओं से नवाजेंगे तो इनका बड़ा एहसान होगा लेकिन अगर आप नहीं नवाजेंगे तो मेरी हमदर्दी होगी इसलिए मेरा हक मुझे बगैर कहे इशारे से अदा करते रहिएगा। शेर सुने कि तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना आना दे दे ऐ मेरे दोस्त चोरी ये शख्स बात है भाई मेरे भाई तमाम पर छोड़ा है सुन्नत से मस्जिद के साथ ही कह रहा हूं कि अभी ज्यादा बड़ा फैसला ना लें है ना ज्यादा बड़ा फैसला ना लें क्योंकि हमारी नुकसान दे भी साबित हो सकता है। आशी भाई हां कि तेरा एहसान होगा अरे फक साहब अभी ज्यादा बड़ा फैसला ना ले ये मेरे हक में नुकसान दे साबित हो सकता है यानी कि तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे अरे मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे और करूं चोरी तो मौला फौरन पकड़ जाऊं करूं चोरी तो मौला फौरन पकड़ जाऊं लेकिन मुझे किसी महबूबे सुहाने का घर दे दे तो मौला फौरन पकड़ जाऊं करूं चोरी तो मौला फौरन पकड़ जाऊं लेकिन मुझे किसी महबूबे सुभाने का घर दे दे लेकिन मुझे किसी महबूबे सुभाने का घर दे दे। बहुत अच्छी आपके समाधे हैं ऑल इंडिया नातिया मुशायरा में जितने लोग आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम लाई की मुबारकबाद है जनाबे उस्ताद शोरा जनाबे कारी रिफाकत साहब किला ने जितने भी शोरा अहले सुन्नत को मधु किया था कि हम ये तारा वो तमाम के तमाम शोरा इनके मोहब्बतों के कैद खाने में गिरफ्तार होने के बाद आपके समाधों की आपके आपके सामने बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह एक बात दीगर तमाम के तमाम शोरा ये मेंबर नूर पर बैठे हुए हैं एक बात दीगर माइक पर आपके सामने आने वाले हैं। अरे एक आखिरी शेर सुनने उसके बाद मैं उसी जगह पर बैठने की कोशिश कर रहा हूँ जो जगह मुझे बुला रही है। अब पूरा मनमा जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह के नबी के पांव के तलवे से जब लगा पानी प्यास तो नहीं लग रही है प्यास तो नहीं लग रही है जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह के नबी के पांव के तलवे से जब लगा पानी हर एक पानी से वो मुहतरम हुआ पानी नबी के पांव के तलवे से जब लगा पानी हर एक पानी से वो मुहतरम हुआ पानी और इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जिसकी तमन्ना है खाली वही बोले ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता के हुजूर करते बुजुर्ग और मैं डालता पानी और बुजुर्ग के बाद मुस्तफा फरमाते इरशाद
बुजुर्ग के बाद मुस्तफा फरमाते इरशाद के नजीर पीटा बुजुर्ग का बचा हुआ पानी। बुजुर्ग के बाद मुस्तफा फरमाते इरशाद के नसीर पीटा बुजुर्ग का बचा हुआ पानी। वो तमाम तक इनकी आवाजें हमारी आपके निगाहों के सामने बैठी हुई है। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैं उस लहजे का इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज शहर उदयपुर के सरजमीन से निकलने के बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर बड़ी तेजी के साथ कर रहा है। और हकीकत तो यह है कि नई नस्ल का शायर या कवि वो अपनी एक अलग पहचान की तलाश में है। कोई भी शख्स किसी भी लाइन का हो वो अपनी एक अलग पहचान अपने एक अलग शनाख्त चाहता है। भीड़ में रहने के बावजूद हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो लोगों में पहचाना जाए। तन्हा जहां रहे हजारों लोग उसके दीवाने, हजारों लोग उसके चाहने वाले, हजारों लोग उससे मोहब्बत करने वाले, हजारों लोग उसके मानने वाले वहां पर मौजूद हों, लेकिन इसके लिए कुछ करके दिखाना होगा। नई सोच लानी होगी, नया अंदाज आना होगा, नया लबो लहजा आना होगा। अब आइए उसी नई सोच का मालिक, नया अंदाज, नए लबो लहजे के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई करे तरन्नुम बुलबुले बाग मदीना जनाब फहीम रजा हबीबी रुदरपुरी को आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। और हकीकत तो यह है कि अगर यही शायर कलकत्ता में पैदा हुआ होता है तो इसे हबीब हाशमी कलकत्ता भी कहा जाता है। अगर यही लहजा बनारस में पैदा हुआ होता है तो इसे अक्स बनारसी कहा जाता है। अगर यही शायर लखनऊ में पैदा हुआ होता है तो इसे आरजू लखनवी कहा जाता है। अगर यही लहजा अमरोहा में पैदा हुआ होता है तो इसे अब्दुल रऊफ अमरोही भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये बात हकीकत है कि अगर इस लहजे ने शहर रुदरपुर में जन्म ले लिया है तो लोग उसे कुछ कहें या ना कहें, लोग उसे कुछ समझे या ना समझे, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे शहकारे तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना जनाबे फहीम रजा हबीबी रुदरपुरी के नाम से खुद ब खुद जाके रखती है। आइए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक जिसे अल्लाह ने एक हाथ से नवाजा है वो एक हाथ को उठाकर नारा लगा ले, और जिसके पास दोनों हाथ है तो शर्माने की कोई बात नहीं है। आज आप लोग अपने अब्बा के ससुराल में नहीं बल्कि नबी की महफिल में आगे बैठे हुए हैं, और नबी के दीवाने नबी के जलसे में शर्माते नहीं है। अरे नबी के मस्ताने जब नबी के नाम पर दरिया से गुजर सकते हैं तो नबी के दीवाने नबी के जलसे में बैठ करके अपने हाथों को उठाकर नारा भी लगा सकते हैं। जरा परंपरा से दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। जिन्होंने दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाया है उन्हें एक ही साल के अंदर मदीना बुलवा ले, और जिन्होंने एक हाथ को उठाकर नारा लगाया है उन्हें दो साल के अंदर मदीना बुलवा ले, और जिन्होंने खाली जुबान से बोला है उन्हें तीन साल के अंदर मदीना बुलवा ले, और जिन्होंने जुबान से नहीं बोला है मैं उनके लिए जनाबे कादरी रिफाकत साहब की तरफ से मशवरा करके उनके लिए फैसला करूंगा। पूरा बनना दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आल इंडिया नातिया मुशायरा, शायर इस्लाम नबे फहीम रजा हबीबी रुदरपुरी, नारे तकबीर, सदमीने किचा सिरौली कला उत्तराखंड, नारे रिसालत, ये खामोश जी रहे थे तकल्लुक तबक पड़े, जुम्बिश लगो बहुत हो तकल्लुक तबक पड़े। और फहीम रजा हबीबी वो शायर है जो लिखकर नबी की नाम अगर कागज में छोड़ दे तो तरन्नुम तबक पड़े।